वैलेंटाइन डे के बारे में आपको जरूर मालूम होगा, क्योंकि इसके आसपास इतनी चीजें होती हैं कि कोई इस डेट को भुला नहीं सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 जून को क्या था, तो आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि 5 जून को क्या था। तो दोस्तों, 5 जून को था एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। अब इसकी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप करने वाले होंगे या फिर बंद करने वाले होंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और बिना स्किप के देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वीडियो है। ये आपके ही नहीं, आपके बच्चों से भी जुड़ा हुआ वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप के देखिए। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हर महीने इतने सारे मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में, और पहले जितने उसमें सुविधाएं होती थी उसके अंदर सुविधाओं को बढ़ा के लॉन्च किया जा रहा है। मतलब कि एक ही ब्रांड एक फ़ोन को लॉन्च करता है और दूसरे महीने उसका नाम चेंज कर देता है और उसमें एक दो स्पेसिफिकेशन बढ़ा देता है। इस तरीके से बहुत सारे फ़ोन का लॉन्च हो रहा है मार्केट के अंदर। कोई दावा करता है कि मेरा फ़ोन 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आ रहा है, कोई कहता है फ्लिप कैमरा हमारे फ़ोन के अंदर है, किसी का कहना है कि हमारे अंदर 512 GB का मेमोरी स्पेस है, तो कोई बोलता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो सबसे बढ़िया है। किसी मैन्युफैक्चरर का ये बताना है कि उनका जो बैटरी बैकअप है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने 5000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया है। तो इन सब बातों के बाद ऐसा लगता है कि अब हमें फ़ोन बदलने की ज़रूरत है। अब एक घर में एक साल में कम से कम 2 फ़ोन नए आते हैं, 2 नहीं आते होंगे तो एक तो ज़रूर आता होगा एक साल के अंदर। आज के समय को दोस्तों हम अगर देखें तो अभी हम सबसे फास्टली स्पीड में फ़ोन को अपने चेंज कर रहे हैं। अब ये जो है सबसे बड़े प्रॉब्लम की तरफ हमें लेके जा रहा है। अब मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने घर में देखा तो ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 5 फ़ोन मैं लेके आया जो कि पुराने फ़ोन पड़े हुए थे मेरे घर के अंदर। ये 5 में से 4 फ़ोन जो हैं वो बाबा आदम के ज़माने के फ़ोन हैं, जो कि आप सोच सकते हो ये बहुत पहले आते थे। इसके अलावा ये बहुत सारे फ़ोन थे जो कि कबाड़ में चले गए, और बहुत सारे ऐसे फ़ोन थे जो पता नहीं कहाँ है, अगर घर में ढूंढे जाएँ तो बहुत सारे फ़ोन मिलेंगे। इस तरीके के फ़ोन सबके घर में होते हैं, या तो कुछ लोगों ने उस फ़ोन को कबाड़ी के अंदर दे दिया हो, या फिर उन फोन्स को लोगों ने घर के अंदर ऐसे फेंका हुआ हो, पता नहीं कहाँ पे हैं वो। अब इन दोनों बातों के अंदर अगर आपके पास घर में ये फ़ोन पड़ा हुआ है तो ये तो यूजलेस है, इसका अभी इम्पैक्ट किसी चीज़ पे पड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने इस फ़ोन को कबाड़ी वाले को दिया हो तो इस फ़ोन का वो क्या करते हैं, इस फ़ोन का वो पार्ट पार्ट अलग कर लेते हैं। जो उनके काम का होता है वो तो रख लेते हैं, जो बिकने वाला पार्ट होता है, और जो बिकने वाला पार्ट नहीं होता वो कचड़े में चला जाता है। तो दोस्तों, इसी कचरे के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे। वो कहां जाता है? वो जाता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अंदर इतने टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये आप फोन यूज कर रहे हो डे बाय डे बेसिस पे। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या वेस्ट है इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि फोन यूज कर रहे हैं तब तक ये हमारा एसेट है, फोन यूज नहीं कर रहे हैं तो ये कूड़ा है हमारे लिए। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें पाया गया है कि केवल 2018 के अंदर, सिर्फ मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात अगर करें तो 50 मिलियन kg, मतलब कि 5000 करोड़ किलो, इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसको कूड़े को फेंक दिया गया जिसका कोई इंतजाम नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, और सिर्फ उसका काम क्या है, पर्यावरण को दूषित करना। ये विश्व की बात करी है मैंने। अगर मैं इस चीज़ के बारे में इंडिया में आ जाऊँ, इंडिया के बारे में बात करूँ, तो सिर्फ इंडिया 2018 के अंदर जो कंट्रीब्यूट करता है ई वेस्ट में वो है लगभग 2 मिलियन kg, मतलब कि 200 करोड़ किलो। लेकिन ये 200 करोड़ किलो जो है ये बहुत खतरनाक तरीके का मटेरियल है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। आपको मालूम होगा कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, आपको पता होगा कि सांस लेने में समस्या कितनी ज़्यादा हो रही है। आप छोटे शहर में रहें या बड़े शहर में रहें, बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे पैमाने लगे हुए हैं जहाँ बता दिया जाता है कि यहाँ पे इतना इंडेक्स है एयर का, और इससे क्या पता चलता है कि हमारा एयर खराब हो गया। लेकिन छोटे शहरों के अंदर इतने पैमाने नहीं है जहाँ पे चेक किया सकते हैं एयर क्वालिटी कितनी है, इसलिए वहाँ का हमें मालूम नहीं चलता। लेकिन अगर सर्वेक्षण किया जाता है छोटे शहरों का तो ज़्यादातर छोटे शहरों का जो एयर क्वालिटी है वो खराब मिलता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे और आपके बच्चों पर पड़ेगा आने वाले टाइम में, अगर आप आज से सचेत नहीं होते हैं। तो अभी मैंने बात करी 200 करोड़ किलो ई वेस्ट केवल इंडिया के अंदर। इन 200 करोड़ किलो में से अगर जाने कि दिल्ली के अंदर कितना है तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 35,000 किलो ई वेस्ट डेली जनरेट करता है दिल्ली, 35,000 kg। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और साल में देखें तो 13 करोड़ किलो ई वेस्ट दिल्ली के अंदर जनरेट होता है। ये ई वेस्ट जो है ये आपका सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, ये आपका मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप यूज करते हो सबसे रिलेटेड है। अब इंडिया के अंदर अगर बात करें हम कि ई वेस्ट जो है मोबाइल से कितना जनरेट होता है तो 220,000 किलो,
मतलब कि लगभग 22 करोड़ किलो ई वेस्ट जो है वो इस मोबाइल के कारण आता है, इन कचड़ों के कारण आता है इनके। अब ये मोबाइल जो है औने पौने दाम में तो हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, जैसे कबाड़ी वाला पेपर लेने आया उसको फ़ोन दे दिया, भाई दे दे 50 रुपये या 100 रुपये जो भी दे रहा है दे दे, क्योंकि ये ख़राब फ़ोन है हमारे तो यूज़ का नहीं है, 100 रुपये में मिल गए। लेकिन उसने तो इसमें से मटेरियल निकाले जो उसके काम का था, जो हानिकारक मटेरियल थे जो कि बैटरी, ये प्लास्टिक का जो मटेरियल है इसका वो इस्तेमाल क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये प्लास्टिक या तो बेच देगा। इसके अलावा बहुत सारे प्लास्टिक निकलते हैं, तो जो प्लास्टिक होता है इसको अगर आप कभी चेक करना हो तो किसी मिट्टी के अंदर डाल के देखो, आप अगर उसको 2 साल बाद ही निकालोगे ना तो सेम जैसे का तैसा मिलेगा आपको। मतलब कि प्लास्टिक को तो आप बिल्कुल भी गला नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट में डालने का मतलब है कि उसको आप ख़राब कर रहे हो। अब बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ते हुए कि बहुत सारे समुंदर गंदे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अब डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर होकर हट जाओगे वीडियो से। लेकिन प्लास्टिक जो है सबसे खतरनाक मीडियम है पॉल्यूट करने के लिए इन्वायरमेंट का। अब दोस्तों इसके अंदर जो सबसे हानिकारक चीज़ है वो लिथियम आयन बैटरी है। तो एक लिथियम आयन बैटरी जो है कंटामिनेशन उसका इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके जो पानी है और जो आपका एरिया का जो इन्वायरमेंट है दोनों को पॉल्यूट करता है, बहुत तगड़े तरीके से पॉल्यूट करता है। और अगर आप पानी के बारे में जानना चाहते हो कि आज के डेट में पानी का लेवल कितना है, तो आप अपने गाँव में फ़ोन करो या आपके गाँव में कोई मित्र रहते हो उनसे पूछो कि पानी का लेवल 5 साल पहले कितना था और 10 साल पहले कितना था, आज कितना है। जो पानी 30 फीट में मिलता था आज के डेट में आपको 60 फीट और 70 फीट के अंदर चला गया पानी, उससे भी नीचे चला गया पानी। एक मोबाइल का लिथियम आयन बैटरी जो है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए ढंग से तो 3 जो स्विमिंग पूल होते हैं ओलंपिक साइज के उनको कंटामिनेशन से बचा सकता है। ये तो सिर्फ लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात करी मैंने। तो 42 फोन का इस्तेमाल करके हम एक एवरेज हाउस होल्ड का जो यूज होता है उसका पूरे साल का बिजली का खर्चा निकाल सकते हैं। खर्चा निकालने का मतलब कि बिजली का उत्पादन कर सकते हैं 42 स्मार्टफोन से, सिर्फ 42 स्मार्टफोन से। आपको मैंने क्या बताया कि 220,000 किलो स्मार्टफोन कचरा है इंडिया के अंदर, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन से। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए हमको इसको रिसाइकल प्रोसेस तक पहुंचाना पड़ेगा। हम घर में रखेंगे या कबाड़ी वाले को देंगे तो इससे सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, इससे पर्यावरण दूषित होगा। अब रिसाइकलिंग कैसे करनी है इसके बारे में आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो रिसाइकिल करने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप प्लेस कर सकते हो और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को दे सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो जो है ये बिल्कुल ट्रायल बेसिस से बनाया है, क्योंकि लोग जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को चाहिए कॉमेडी और ऐसे वीडियो जहाँ पे वो रिलैक्स हो सके, ये वीडियो लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। तो मेरा वीडियो ट्रायल बेसिस पे, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया और लगा कि नहीं ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाता है तो मैं आने वाले टाइम में ई वेस्ट के ऊपर एक पूरा का पूरा सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको फ्रिज के ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर, टीवी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, जितने भी ई वेस्ट होते हैं उनको कैसे आपको तरीके से मैनेज करना है इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए इसलिए कि वो जागरूक हों, और उनको बोलिए कि वो बाकी लोगों को भी शेयर करें जो उनके जानने में है। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके के अच्छे वीडियो डेली लगभग कोशिश करता हूँ डालने के लिए। सब्सक्राइब अगर किया हुआ है तो घंटी का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे। इन सब बातों के अलावा भी बहुत सारे वीडियो भी आने वाला है, तो उन वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक बहुत ही अच्छे तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरी आईडी है, जो कि आप आईडी देख सकते हैं, लिंक में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इन सारी बातों के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ़ोन को रिसाइकल जरूर करें। इसके ऊपर मैं और आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।